हेलो मेरे भाई, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये असेंबली मशीन है जो कि मोबाइल रिपेयरिंग और लैपटॉप की चिप्स, मेनली आप समझ लीजिए चिप्स रिपेयरिंग के लिए काम में आती है। और इसमें मैं आपको सारा चीज़ बताऊँगा काम कैसे करता है ये। काम करने के साथ साथ इसका जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। तो सबसे पहले आप देखते हैं, आपको बता देना चाहता हूँ इसमें ज़्यादा कहते हैं। मेनली यहाँ पे एक हीटर लगा हुआ है, ये अंदर में एक हीटर लगा हुआ है, हीटर जो कि उसके हीटर के बाद में एक चीनी मिट्टी का एक गोल सा राउंड सा एक पाइप है, फिर उसके बाद ये मैटर है। ओके, ये उसके लिए वहाँ से केबल एक दिया है, जो केबल आया है ये आप देख सकते हैं पाइप से, ये रेड वाली केबल आई है। ठीक है, ये पाइप से एक रेड वाली केबल हो गई, ये आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा था। ये रेड वाली एक दो केबल है, दो केबल हो गई हीटर की, और दो केबल जो है यहाँ पे एक सेंसर लगा है जो कि मैग्नेटिक सेंसर है। जैसे ये रखते हैं तो जो इसका हीटिंग है वो बंद कर देता है। ओके, आप समझ गए ना, यहाँ पे एक मैग्नेटिक सेंसर लगा है क्योंकि तो यहाँ पे मैग्नेट है, यहाँ पे मैग्नेट है जो कि चिपक जाता है। तो मैं आपका ही देख सकते हैं, आप ये चिपक गया, यहाँ पे मैग्नेट है, जब ये यहाँ रखते हैं तो इसका जो हीटिंग रहता है वो बंद हो जाता है। ठीक है, एयर कुछ टाइम बाद बंद हो जाता है। ठीक है, पहला काम किया यहाँ से हीटर, और यहाँ पे मैग्नेटिक सेंसर लगा एक, और ये पाइप के थ्रू से एयर जाता है, और इसे पाइप से दो वायर आए हैं, एक ये हीटर का हो गया, एक ये सेंसर का हो गया। ओके, ये दोनों हो गए। अब ये जो पाइप में जो एयर जाती है वो एयर इस साइड से पूरा पैक है, वो एयर इस इसके थ्रू, ये 775 डीसी मोटर है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल मोटर है। ठीक है, बहुत ज़्यादा, आप इससे मिनी ड्रिल मशीन बना सकते हैं। अगर आपका पाइप अभी ये कभी ख़राब हो जाता है, आप ये रिपेयरिंग नहीं हो रहा, ये कबाड़ हो गया, तो आप इसके मोटर को निकाल कर इसमें से मिनी ड्रिल मशीन बना सकते हैं, डीसी वाला ड्रिल मशीन, डीसी वाला कटर बना सकते हैं। मतलब ये मोटर जो है आप यूट्यूब पे जाकर सर्च मारेंगे कहीं भी, बहुत ही अच्छा मोटर है, बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है, बहुत ही ज़्यादा स्पीड है इसकी। ठीक है, मतलब एक मतलब कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाने के लिए अच्छा तगड़ा वाला, आप इसका फास्ट जो इसका पावर है ना, आप बहुत ज़्यादा पावर, मतलब क्या यूज़ करेंगे तो आपको खुद पे समझ में आ जाएगा। यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियो पड़े हैं, आप जाकर आराम से देख सकते हैं। और ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये सार्कअप जैसा ये बना हुआ है, ये सार्कअप किस लिए है, वाइब्रेट लिए। क्या है, मोटर जब घूमता है इतनी तेज़ से घूमता है तो ये वाइब्रेट करता है, तो यहाँ पर ये सक्शन अपना जो हिलने की वो है, इसी पर आप ये सार्कअप पे सब खत्म कर देता है। यहाँ पे ये इसको हिला, इसको नहीं हिला पाता, इसको ऐसे ऐसे नहीं, कहीं पर अगर स्थिर पर रखा तो ये रखा रहेगा चुपचाप, अब ये ऐसे ऐसे हिलेगा। मेरे शब्द में अगर कोई भी छोटी मोटी गलती हो तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि मेरा ये अभी शुरुआती चैनल है, कोई प्रैक्टिस नहीं होता, बट मैं जो मेरे अंदर है मैं सारा चीज़ आपको बता रहा हूँ। आपको मैं अपना भाई दोस्त मानता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए किसी भी बात का, मैं आपको फ्रेंडली बात करके हर चीज़ बताऊँगा, एक एक पॉइंट टू पॉइंट बताऊँगा, वीडियो लंबी नहीं करते हुए मैं आपको ये बताने वाला हूँ। फिर यहाँ से आप सबसे पहले आप देखिए, ये आपका एसी करंट आया है यहाँ से। ठीक है, एसी करंट आया और ये आया यहाँ पे, एसी करंट आया यहाँ पे, फिर आते हुए एक केबल दिया फ्यूज में। इसका डायग्राम मैं आपको वीडियो के लास्ट में पेज के माध्यम से बताऊंगा कैसा कैसा ये कनेक्ट है। यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है जो कि डायरेक्ट एसी वाला जो केबल आया है उससे कनेक्ट है। ठीक है, इसको बंद करते हैं, एसी वाला केबल कनेक्ट है यहाँ से ये, और फिर यहाँ से जो दो आ रहे हैं एक ट्रांसफार्मर में केबल यहाँ से नहीं दिया है, आप यहाँ पर कंफ्यूमर में दिए हुए ट्रांसफार्मर में जो केबल यहाँ से नहीं दिया है, तो मेन लाइन की डायरेक्ट केबल आई है यहाँ से फ्यूज के थ्रू होते हुए, एक बार फ्यूज में डाले होते हुए सर्किट में गई है। ठीक है, इस सर्किट का काम क्या है कि दो रिले लगे हैं, एक लगा है कंट्रोलर, आप देख सकते हैं एक इसके लिए रिले लगा है, एक इसके लिए रिले लगा है। ठीक है, और यहाँ पे ये कंट्रोलर काम क्या करता है मैं आपको सिंपली बता दे रहा हूँ, क्योंकि आप मैं इसको सर्किट को समझा दूँगा आपको, लेकिन समझाने में इतना ज़्यादा कंफ्यूजन जाएगा कि आप समझ नहीं पाएंगे, तो आप बेसिक्स में नॉलेज बस रख लीजिए, इसलिए मैं आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व किया। तो सबसे पहले आपका जो दो वायर एसी से आया था यहाँ स्विच के थ्रू होते हुए किया, ये बटन पे गया सबसे पहले। ठीक है, बटन पे जाने के बाद ये बटन से जो केबल है सर्किट पे गए। ठीक है, सर्किट में जाने के बाद वहाँ से रेगुलेटर के एक जो एयर प्रेशर का रेगुलेटर है, इसका जो रेगुलेटर कनेक्ट है इसके जो ये आप ट्रांसफार्मर देख रहे हैं, इसके जो एसी का जो टर्मिनल रहता है, एसी साइड जो अपन कनेक्ट करते हैं वो डायरेक्ट कनेक्ट है इसके रेगुलेटर से। ठीक है, रेगुलेटर रिले सर्किट से कनेक्ट है यहाँ से क्या करता है ना, इसको इधर से मतलब कि जो करंट देने की मतलब कितना देना है अपने को, इधर से करंट एडजस्ट होता है, फिर यहाँ पे ट्रांसफार्मर में आता है,
तो ट्रांसफार्मर में आने के बाद यहाँ आता है, असल में इस साइड अपन एसी डाल रहे हैं, इस साइड में एसी निकलता है, यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है जिसके मदद से एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये मोटर डीसी है इसीलिए डीसी पावर से चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब जिधर से अगर अगर अपन इधर से रेगुलेटर से जितनी पावर ट्रांसफार्मर पर देंगे उतनी पावर इसमें मोटर पे जाएगी, मोटर में जितनी पावर जाएगी उतनी स्पीड से चलेगा, कम करेंगे तो कम चलेगा, ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा चलेगा। जैसे कि अगर स्पीड हम इसको सबसे हाई कर देते हैं तो यहाँ से जो फैन इसके अंदर लग जाते हैं, यहाँ पे एक बात आप समझ लीजिए, यहाँ पे इसके अंदर एक फैन, ठीक है, फैन है घूमते घूमते क्या है, यहाँ से जो वैक्यूम यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से बना हुआ है, और नीचे में आप तो वही स्क्रू यहाँ पे लगी रहती है, स्क्रू को अगर आप नहीं खोलेंगे तो इधर से एयर नहीं जा पाएगा, और एयर इसमें नहीं पहुँच जाएगा तो इधर नहीं घूम पाएगा, इसलिए निचल स्क्रू खोलने बोलते हैं, निचल स्क्रू खोल के वहाँ से एयर अंदर जाती है, यहाँ से यहाँ सब के अंदर वैक्यूम बना के इसके अंदर भेजता है और यहाँ से निकलता है, ठीक है, यहाँ से प्रेशर निकलता है, और हीटर इसी के अंदर लगा हुआ है तो हीटर और एयर का दोनों का मिक्सचर बाहर निकलता है और वो हीट करता है। ठीक है, आप इतना समझ गए। अब यहाँ से बात अपन आते हैं हीटर पर, जो हीटर की वायर के यहाँ से गई है, इसमें भी कुछ नहीं किया गया, डायरेक्ट पावर यहाँ आया है बटन पे, बटन पे पावर सर्किट पे गया है, और सर्किट से जो रेगुलेटर की मदद से कम ज़्यादा हीटर को करने के लिए यहाँ से कनेक्शन है, यहाँ से जितना अपन पावर देंगे, आप सिंपल सी बात समझिए, जितना अपन पावर देंगे उतना जो आपका आइटम रहेगा वो वर्क करेगा, वो हीटर हो या मोटर हो, आप अगर उसको 1% पावर देंगे तो 1% काम करेगा, 10% पावर देंगे 10% काम करेगा, 50% पावर देंगे 50% काम करेगा, 100% पावर देंगे तो 100% काम करेगा। ठीक है, ये मतलब कि मेथड है, आप इसको समझ लीजिए बस, और कुछ नहीं।